बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा ध्यान प्रत्येक और सभी के लिए एक समग्र और स्वस्थ भारत बनाने पर है। हमारा लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का है, जहां नागरिक, व्यक्ति, समाज और सरकारें सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार 2021 में अनुमानित 6,19,000 लोगों की मौत मलेरिया से हुई, जबकि 2020 में यह संख्या 6,25,000 थी। 2019 में 247 मिलियन की तुलना में 2020 में मलेरिया की अनुमानित 245 मिलियन नए मामले सामने आए। 2015 की तुलना में 2020 के अंत तक मलेरिया के मामले और मृत्यु दर में 40% की कमी हासिल करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र एकमात्र WHO क्षेत्र था। इन सब के बीच भारत कहाँ खड़ा है और हम जीरो मलेरिया के अपने 2030 के लक्ष्य को पाने से कितनी दूर हैं? इस बीमारी की रोकथाम और उपचार पर देश की स्थिति के बारे में जानते हैं नेशनल वेक्टरबॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के पूर्व निदेशक नीरज ढींगरा से। धन्यवाद डॉक्टर ढींगरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि पिछले एक दशक में मलेरिया के मामलों को कम करने में भारत ने क्या प्रगति की है? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ये इमीडिएटली इंडिया ने बनाया जबकि ग्लोबल कॉल फॉर मलेरिया एलिमिनेशन दिया WHO ने 2015 में। ये ब्रॉड फ्रेमवर्क था जिसके अंदर स्टेट्स को उन्होंने डिवाइड किया डिपेंडिंग ऑन मलेरिया जितना जितना था उसके बेस पे जो जो एक्शन है। इसके इमीडिएटली बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बना जो कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स और बिलो डिस्ट्रिक्ट तक इनको चॉकआउट किया गया और इनके अंदर डिपेंडिंग कि मलेरिया कितना है उनमें सारी स्ट्रेटेजीज फॉर मलेरिया कंट्रोल, जैसे कि जल्दी से अगर किसी को फीवर है इमीडिएटली उसको टेस्ट करना, जबकि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको हम कहते हैं RDT से, और से एकदम से पता चल जाता है कि मलेरिया है नहीं, माइक्रोस्कोप से करना और इमीडिएट ट्रीटमेंट। दूसरा इसमें कि लोगों को मच्छर के काटने से बचाव के लिए मच्छरदानी, ये मच्छरदानी जो होती है जिसको लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, इसके ऊपर एक केमिकल होता है और ये एक मच्छरदानी 3 साल तक चलती है, कोई भी मच्छर से कांटेक्ट में आए तो वो उससे मर सकता है। और बाकी और स्ट्रेटजीज भी हैं जिसमें कि और सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना, सर्वेलेंस को बढ़ाना, ठीक है, कम्युनिटीज को एंगेजमेंट करना, इसके बेस पे इंडिया ने 2015 से इसको सब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अगर आज की तारीख में अगर आप डेटा को 2015 से कंपेयर करें मलेरिया को डेटा को, देयर इज 90% रिडक्शन है मलेरिया में, और ये बात जो है WHO ने भी इंडिया को एक अच्छा एग्जांपल दिया है। डॉक्टर ढींगरा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मलेरिया शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है और कैसे? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीन मॉस्किटो के काटने से होता है, और ये काटना जो है स्किन पे पियर्स करता है और स्किन से जो है जिनको हम कहते हैं जो मलेरिया के पैरासाइट्स हैं वो लिवर में जाते हैं और फिर लिवर में फर्दर डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वो ब्लड में जाते हैं। इनका जो आगे बढ़ना जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी मलेरिया है, वायवैक्स मलेरिया या फैल्सिपर। अगर वायवैक्स मलेरिया होता है तो वो लिवर में रहते हैं और लिवर से होते हुए सेल को नहीं, और वो कई बार ट्रीटमेंट के बाद भी लिवर में रह सकते हैं और उनको हम जैसे कि कहें कि कई बार 2 साल के बाद भी मलेरिया हो सकता है, जिसको कि क्रॉनिक मलेरिया भी कहा जा सकता है। तो वो और कई बार स्प्लीन में भी इन्वॉल्व करता है तो स्प्लीन भी उसमें बड़ी मिल जाती है। अगर फैल्सीपरम मलेरिया है तो वो लिवर के बाद उस रेड ब्लड सेल्स के थ्रू होता हुआ ब्रेन, लंग्स, किडनी, सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, और वो जो है छोटी छोटी जो आर्टरीज होती है उनको ब्लॉक करने के बाद जो आगे की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। जैसे अगर ब्रेन की आगे होती है जिसको हम कहते हैं कि कोमा में चले जाते हैं सेरेब्रल को, मलेरिया का कोमा हो जाता है, किडनी फेलियर हो सकता है, रीनल जो किडनी फेलियर हो सकता है, कभी लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर उसको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया गया तो डेथ हो सकती है। मिलते हैं बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखें हमारा नया बनेगा स्वस्थ इंडिया वीडियो पॉडकास्ट स्वास्थ्य मंत्र।
पहला पब्लिक हेल्थ और हाइजीन पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट अंग्रेजी और हिंदी में स्पॉटिफाई, एप्पल और यूट्यूब पर लाइव है। बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका दोबारा स्वागत है। और जलवायु परिस्थितियां मलेरिया के फैलने को कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि मलेरिया अभी तक अगर आप देखें तो एक सीजनल पैटर्न, इन द सेंस कि बारिश के बाद बढ़ जाता है, ठीक है, सर्दियों में घट जाता है, तो ये एक पैटर्न चलता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर थ्रू आउट जैसे कि बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन जो है वो सीजनल के बजाय पूरे साल में, जो कि कई साल कई जगहों पर अभी भी होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे मलेरिया नहीं है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ भी मलेरिया हो सकता है। नंबर टू, मलेरिया का आउटब्रेक ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बारिश का पैटर्न एक अभी तक ऐसे मानसून के बाद होता है, एक अनयूजुअल बारिश पैटर्न में मॉस्किटो ब्रीडिंग के साइज बढ़ जाएंगे, इसलिए हमारे मलेरिया बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इन सब के लिए चैलेंज होगा। डॉक्टर डिंगरा, आखिर में क्या आप ये बता सकते हैं कि 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए किस कार्य योजना की आवश्यकता है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में हमें सर्वेलेंस को बहुत अच्छा करना है। सर्वेलेंस का मतलब यह है कि देखना कहीं भी छोटा एक भी मलेरिया केस है तो उसका पूरा जो है जांच तफ्तीश से जांच करना, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे कहाँ तक जा सकता है वो करना। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग्स करना कंट्रोल से एलिमिनेशन के लिए, और ट्रेनिंग के लिए सेंटर से स्टेट को डायरेक्शन देना और स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग बढ़ाना, ये सब चीज़ें जो है आगे वाले दिनों में करनी पड़ेंगी, सो दैट जो हमारा अभी मलेरिया कम है वो कम रहे और कोई नए केसेस मलेरिया के ना पड़े। तभी 2027 तक हम जीरो मलेरिया कर पाएंगे। और फिर हमें जीरो मलेरिया 3 साल रखना है, 2030 तक, तो मलेरिया एलिमिनेशन के सर्टिफिकेशन के। डॉक्टर ढिंगरा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपके पास उस टॉपिक पर टिप्पणी, सवाल या सुझाव हैं जिस पर हमने आज चर्चा की है, या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप फ्यूचर में कवर करना चाहते हैं, तो हमें bsipodcast@ndtv.com पर लिखें। याद रखें, BSI का मतलब बनेगा स्वस्थ इंडिया। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बनेगा स्वस्थ इंडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं और सप्ताह भर बातचीत जारी रख सकते हैं। अगले हफ्ते तक मैं अंबिका सिंह कामा आपसे अलविदा लेती हूँ। हेल्दी रहें, सेफ रहें।